गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश बनारिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए लेकर आता हूं मैथमेटिक्स के ढेरों इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियोस। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो टॉपिक है डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन का नियम। दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, सीधे शुरू करते हैं इस लॉ के ऊपर। तो मैं आपको बता दूं कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है। विद्वानों, यदि आपके पास दो सेट है ए और बी, ठीक है, तो फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लाइन क्या है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सेकंड ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब फटाफट से मैं आपको यह बता दूं कि डैश क्या होता है, तो समझिएगा विद्वानों। देखो, अगर मैं बात करूं कि यह पूरा हमारा एक यू है पूरा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, और ये हमारा ए है। क्या है ये? ए, ठीक है। तो जो ए में नहीं है, जो ए में नहीं है वो ए डैश है। समझ में आ गई बात? जैसे अगर एक्स ए से बिलोंग नहीं करता है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एक्स किससे बिलोंग करेगा? ए डैश से बिलोंग करेगा। तो जो ए में नहीं है वो ए डैश है, जो बी में नहीं है वो बी डैश है, तो इसको बोलते हैं डैश। बाकी बात इंटरसेक्शन की और यूनियन की, वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। विद्वानों, एक बात मैं आपको यहां पे और बता दूं इस कंसेप्ट के अलावा, डी मॉर्गन्स लॉ में, डी मॉर्गन्स लॉ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इसका रामबाण चीज है, वो ध्यान से देखना, वो समझ में आ गया तो समझ लीजिए क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो समझिए वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। देखिए, इसका जो रामबाण कंसेप्ट है, इसकी जो आत्मा है क्वेश्चन की, वो क्या है। देखो, अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूं एक्स लेता हूं मैं ए के अंदर, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए, और अगर मैं ये लेके आ जाऊं कि एक्स बी के अंदर भी है, एक्स ए के अंदर लेके चलू और पता चल जाए कि एक्स बी के अंदर भी है, तो मैं ये बोलूंगा कि जो एक्स है ना, एक्स ये ए जो है ना, ए ये बी का सबसेट है। ए किसका सबसेट है? बी का। इसी तरह अगर मैं एक y एलिमेंट लेके चलूं b के अंदर, ध्यान देना, y एलिमेंट किसके अंदर है? b के अंदर है, और इससे मैं ये लेके आ जाऊं कि y a के अंदर भी है, तो इससे ये पता चलेगा कि ये जो a है, ये जो y आप b के अंदर लेके चले और आप लेके आ गए कि y a के अंदर भी है, y बिलोंग्स टू a, इससे ये पता चलता है कि b किसका सबसेट है? a का। तो अगर a सबसेट है b का और बी सबसेट है ए का, तो इन दोनों बातों को अगर कंबाइंड कर दे फर्स्ट और सेकंड को, तो कंक्लूजन क्या निकलेगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड हम बोलेंगे कि ए बराबर क्या है? बी है। तो इसके अंदर दो बातें हैं, ध्यान रखना, एक्स बिलोंग्स टू ए अगर लेके चले अगर है, और आप लेके आ जाओ कि एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसका मतलब यह कि ए बी का सबसेट है, ए बी का उपसमुच्चय है, ठीक है। अब अगर आप इसी तरह एक और एलिमेंट लेके चलो वाई, किसके अंदर? बी के अंदर, और आप ये लेके आ जाओ कि y बिलोंग्स टू a, तो इससे पता चलेगा कि b a का सबसेट है, b उपसमुच्चय a का। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर लूं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखो a इज ए सबसेट ऑफ b, a b का उपसमुच्चय है, और नीचे क्या देखा है, b इज ए सबसेट ऑफ a, b a का उपसमुच्चय। इन दोनों को कंक्लूजन क्या होता है, अगर a b के अंदर है और b भी a के अंदर है, इसका मतलब ये कि a बराबर b। ये इसका रामबाण फॉर्मूला है, ये इसकी आत्मा है क्वेश्चन की। ये बात समझ में आ गई तो समझ लो डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। यही अप्लाई करने वाला हूं यहां पर, देखो प्रूव कर रहा हूं, फर्स्ट प्रूव कर रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ। इसको मैं ऐसे प्रूव नहीं करेंगे कि मैं एलएचएस लेके चलूं और कोई रिजल्ट पे पहुंचूं, फिर आरएचएस लेके चलूं और किसी रिजल्ट पे पहुंचूं, ऐसा नहीं करेंगे हम। इसको डायरेक्ट एल्जेब्रिकली प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। देखो, सबसे पहले मैं एक एलिमेंट ले लू, माना लेट करता हूं मैं, देखना ध्यान देना, माना एक्स एक एलिमेंट लेता हूं, किसके अंदर में? इसके अंदर ले रहा हूं, ठीक है। देखो मैं वही करने वाला हूं, पहले मैं इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूंगा, जैसे ये किया था पहला, ये वाला जो है ब्रैकेट, ये वाला सेट है, इसको इसका सबसेट प्रूव कर दूंगा आरएचएस का। फिर सेकंड पार्ट में क्या करूंगा, इसको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को इसका सबसेट प्रूव कर दूंगा, ये ऐसे। फिर फर्स्ट और सेकंड से क्या बोलूंगा कि दोनों बराबर है, ठीक है। यही कंसेप्ट आप लगाने वाले, ध्यान देना। देखो, तो माना क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्या, इसमें ले लो एक्स, किसमें ले लो, ए यूनियन बी के होल डैश में। अब एक्स किसके अंदर है, ए यूनियन बी के होल डैश में, तो एक्स किसमें नहीं होगा,
इट इंप्लाइज दैट एक्स किस में नहीं होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर वो डैश में है तो वो विदाउट डैश में नहीं होगा, समझ में आ गई बात। अब देखो एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी, इसका मतलब ये होता है कि एक्स ए में नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं है, ध्यान देना, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी मतलब एक्स ए में नहीं है और एक्स बी में भी नहीं है, तो एक्स कहां पर है विद्वानों? अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहां पर है? एक्स ए डैश में होगा, बिल्कुल होगा। और अगर एक्स बी में नहीं है तो कहां होगा? बी डैश में होगा, बिल्कुल होगा भाई। तो यहां पे नहीं है तो यहां तो होगा ना। चलिए जी, तो अगर कोई इंसान इस कमरे में नहीं है जहां पे मैं पढ़ा रहा हूं तो इस कमरे के बाहर होगा, और अगर बाहर नहीं है तो अंदर होगा, दो ही चीजें हैं भाई, ठीक है। तो देखो यहां पर देखो, तो x a में नहीं है, x does not belongs to a, it means x belongs to a dash, x does not belongs to b, it means x belongs to b dash। अब ये दोनों बातें कहां पे ले जा रही है, एक बोल रहा है x belongs to a dash, एक बोल रहा है x belongs to b dash, तो x किस में होगा? x दोनों में होगा, तो दोनों मतलब x belongs to a dash intersection b dash। तो ये हम यहां पर इसको लेके चले थे, x इसके अंदर लेके चले थे, x हम इसके अंदर लेके आ गए, इसका मतलब दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, तो क्या कह सकते हो आप, a यूनियन b का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। देखो ये चीज बताई थी मैंने आपको, ये कि आप x a में लेके चलो और आप लेके आ जाओ x b में है, तो आप बोलोगे कि a इज ए सबसेट ऑफ b, सेम कंसेप्ट लेके चलाओ, एक में पॉइंट लेके चलाओ x इसके अंदर है, a यूनियन b के होल डैश में, और मैंने क्या प्रूव कर दिया, मैंने प्रूव कर दिया कि x a डैश इंटरसेक्शन b डैश में भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया, समझ में आ गई। सेम कंसेप्ट किसके लिए लगाना है, अब मैं एक एलिमेंट इसमें लेके चलूंगा, इसमें लेके चलूंगा किसमें, a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, और मैं बता दूंगा कि वो एलिमेंट इसके अंदर भी है, तो ये सबसेट हो जाएगा इसका, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, बहुत आसान है। देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, सेम कंसेप्ट लगाने वाला हूं, मैं वाई लेके चलने वाला हूं एक एलिमेंट, देखना। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए फटाफट, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, और समझ में आ गया हो तो भी लिख दीजिए कि समझ में आ गया है सर। हाँ जी, अब लेके चल रहे, देखो अगेन फिर से क्या लेके चल रहा हूं, देखो एक एलिमेंट ले लिया वाई किसके अंदर, इसके अंदर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में इसका क्या मतलब है, वाई दोनों में है, वाई आपका ए डैश में भी है और वाई आपका बी डैश में भी है। अरे विद्वानों, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जो दोनों में है, तो वाई ए डैश में भी है और y b डैश में भी है, y belongs to a डैश एंड y belongs to b डैश, ठीक है। अब देखो अगर y a डैश में है तो y कहां नहीं होगा, y a में नहीं होगा, y does not belong to a, और अगर y b डैश में है तो y कहां नहीं होगा, y b में नहीं होगा। अब y does not belongs to a एंड y does not belongs to b, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से बता दो, इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, y a में नहीं है और y b में नहीं है, इससे देखो ध्यान से हम किस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, मुझे देख के बताओ क्या बोल सकते हैं, मुझे कहां जाना है, मुझे y में इसमें लेके चला था, मुझे y इसमें लेके आना है, तो मैं क्या कह सकता हूं विद्वानों, देखो y does not belongs to a union b, अगर y a में नहीं है और y b में भी नहीं है तो y a यूनियन b में भी नहीं होगा। अब अगर y a यूनियन b में नहीं है तो y कहां पर है, y इनके इंटरसेक्शन में है, अगर y if y does not belongs to a यूनियन b then where is y, then y belongs to a यूनियन b whole dash। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, देखो मैं y इसमें लेके चला हूं और y में इसमें लेके आ चुका हूं, तो इसका मतलब वो क्या हुआ, क्या कंक्लूजन निकला, तो हम क्या कह सकते हैं, देखो तो हम कह सकते हैं कि a a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b होल डैश, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर वन, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, एंड पॉइंट नंबर टू, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, इट मींस व्हाट, बाय वन एंड टू क्या कह सकते हो आप,
बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्या कह सकते हो? जल्दी कमेंट कर दो आंसर, एक और दो से आप क्या कह सकते हो? मैंने आपको सिखाया था यहां पर, क्या बोला था? अगर ए बी का सबसेट है वह बी ए का सबसेट है तो इससे क्या होगा? ए बराबर बी होगा। तो यहां पर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो एक और दो से आप क्या कह सकते हो? जल्दी से कमेंट कर दीजिए आंसर आपका फटाफट। हाँ जी, हम कह सकते हैं कि ए डैश इंटरसेक्शन, या फिर इसको यहां से लिखे हम, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिए। और हाँ, देखते रहिए ये वीडियो, अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं, अभी हम सेकंड पार्ट भी करने वाले हैं। हाँ जी, जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट प्रूव करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, अगर फर्स्ट पार्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आई है तो सेकंड पार्ट समझने में उसको क्लियर कर लीजिए, बिल्कुल ऑल क्लियर। जी हाँ, बढ़ते हैं आगे। देखो, सेकंड पार्ट है डी मॉर्गन्स लॉ का, वही हमारे ए और बी दो सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, डैश मतलब ये कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं, सो क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, डैश मतलब ए डैश मतलब जो ए में नहीं है। तो वही तरीका देखिए प्रूव करने का, इसका सेकंड पार्ट जो हम प्रूव कर रहे हैं, लेट कर लेते हैं एक एलिमेंट, लेट एक्स, इसके अंदर लेके चलते हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, और हम ये लेके आ जाए कि एक्स इससे भी बिलोंग कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये इसका सबसेट है। और इसी तरह एक एलिमेंट लेके चलेंगे वाई इसके अंदर, और ये प्रूव कर देंगे कि वाई इससे भी बिलोंग करता है, तो ये हो जाएगा इसका सबसेट। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो ये इक्वल हो जाएंगे, ये हमारा तरीका रहेगा। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी हॉल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर एक्स कॉम्प्लीमेंट में है तो एक्स कहां पर नहीं होगा? ध्यान रखना, ये वाला सिंबल जो है इंप्लाइज वाला, ये लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगर एक्स एक्स क्या है, देखो समझना, ध्यान देना, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूं यहां पर, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो यहां पर अब मैं आगे इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा वो देखिए, आप ध्यान से देखिए, एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी, यहां से मैं डैश हटा रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगा यहां पर? डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा, ध्यान देना, क्योंकि यहां से कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश हट चुका है। अब देखो एक्स कहां पर, देखिए समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स किसमें नहीं है? ए में नहीं है, ध्यान देना, एक्स किसमें नहीं है? ए में नहीं है। और एक्स किसमें नहीं होगा? एक्स बी में भी नहीं होगा, समझ में आई? ध्यान देना, जब यहां पर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो आप ये और लगाते हैं, ये और हिंदी वाला नहीं है, ये और इंग्लिश वाला है, ठीक है। तो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अच्छा बताओ, एक बात बताओ मुझे, अगर एक्स ए में नहीं है तो कहां है? एक्स ए में नहीं है तो एक्स ए डैश में होगा, और ये और चलता रहेगा, एक्स बी में नहीं है तो कहां होगा? एक्स बी डैश में होगा। अब एक्स ए डैश में होगा या एक्स होगा बी डैश में, तो इससे क्या नतीजा निकलेगा? एक्स बिलोंग्स टू ए डैश और बी डैश। तो और के लिए क्या सिंबल लगा दिया हमने? यूनियन लगा दिया। क्या लगा दिया? यूनियन, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखो क्या लेके चले हम, एक्स इसमें लेके चले और एक्स इसमें लेके आ गए, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? इससे कंक्लूजन क्या निकला कि ये जो है ए यूनियन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज ए सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। ये हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकंड भी लेके ला सकते हैं। देखो फिर से अगेन क्या करना है आपको, एक एलिमेंट इसमें लेके चलना है वाई, और वो एलिमेंट आप इसमें लेके आ जाओ तो आप बताओगे ये जो है आरएचएस में जो सेट है वो एलएचएस का सबसेट है, तो ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्या लेके चले? देखो वाई, लेट अगेन, लेट किया मैंने वाई, एक एलिमेंट लिया, किसके अंदर लिया? इसके अंदर लेके चलो, वाई बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब वाई ए डैश यूनियन बी डैश, इसका मतलब ये होता है कि वाई डैश ए डैश में है या वाई डैश नहीं, वाई ए डैश में है या वाई किसमें है? बी डैश में। समझ में आ गई बात? यहां पे ध्यान रखना, यहां पे हम और का सिंबल लगाएंगे, और या का है, ठीक है,
चलिए जी देखिए, अब मुझे बताओ अगर y y a डैश में है तो y कहां नहीं है, y a में नहीं होगा, और अगर y b डैश में है तो y कहां नहीं होगा, y b में नहीं होगा। वही बात होगी भाई, अगर a डैश में नहीं, अगर a डैश में है तो a में नहीं है, अगर b डैश में है तो b में नहीं है। अब देखो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, इफ y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y does not belongs to b, इससे मतलब निकलेगा कि y does not belongs to a union b। अब मुझे बताओ a intersection b, y does not belongs to a और y does not belongs to b, it implies that y does not belongs to a union a intersection b। अब यहां पर अगर y a intersection b में नहीं है तो y कहां पर है, y a intersection b के होल डैश में है। तो हम क्या लेके चले, हम y इसमें लेके चले और y इसमें लेके आ गए, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ये जो सेट है a डैश यूनियन b डैश, ये किसका सबसेट हो जाएगा, ये हो जाएगा a इंटरसेक्शन b के होल डैश का सबसेट। ये हो गया हमारा दो पॉइंट। तो बाय वन और टू से क्या कंक्लूजन निकला, बाय वन एंड टू से कंक्लूजन क्या निकला कि ये सेट इस सेट के बराबर है। क्या लिख रहा हूं, a इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। दिस इज योर सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, हैंस प्रूफ। इति सिद्धम। समझ में आ गया, दोनों में एक ही कंसेप्ट लगाना है। विद्वानों ध्यान से सुनो और समझो, कहीं पे भी इसमें याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कंसेप्चुअल है, हर चीज स्टेप बाय स्टेप आ रही है, सबके पीछे एक लॉजिक है। और ध्यान रखना इस क्वेश्चन की आत्मा, रामबाण फॉर्मूला क्या है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान देना सुनना। देखो अगर ये एक पेन है और ये एक पेंसिल है, अगर पेंसिल को पेन के इक्वल करना है तो पेन इज ए सबसेट ऑफ पेंसिल एंड पेंसिल इज ए सबसेट ऑफ पेन, इट मींस पेन इज इक्वल टू पेंसिल। सेम कंसेप्ट लगाना है, देखो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, एलएचएस वाला सेट आरएचएस का सबसेट है फर्स्ट पॉइंट, और RHS वाला LHS का सबसेट है सेकंड पॉइंट, बाय फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इक्वल। ये कंसेप्ट दोनों में लगाना आपका क्वेश्चन हो जाएगा। और बात आपको क्या ध्यान रखनी है, अगर जो A डैश में है Y belongs to A डैश, इट मींस दैट Y does not belongs to A। जो इस कमरे में नहीं है इसका मतलब क्या है, वो इस कमरे के बाहर है, और जो इस कमरे के बाहर है इसका मतलब वो इस कमरे के अंदर नहीं। समझ में आ रही है, ये कंसेप्ट दिमाग में बिठा के चलो, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और आज की बात, मेरा ये विश्वास है कि डी मॉर्गन्स लॉ का कंसेप्ट आपका पूरी तरह क्लियर हो चुका है। आप यहां पर जो ये जो कंसेप्ट पूरा है, आप ये एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। आप ए में कोई सेट लीजिए जिसमें कोई एलिमेंट लीजिए 1 2 3 4 5, बी एक सेट लीजिए उसमें एलिमेंट लीजिए, और ये अप्लाई करके देखिए, ये अप्लाई हो जाएगा। सो इट वॉज द डी मॉर्गन्स लॉ एंड इट्स प्रूफ। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, देखते रहिए ये यूट्यूब चैनल, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।